कहते हैं कि अगर इंसान के भीतर जज्बा हो तो कोई भी उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इसका जीता जागता उदाहरण है सागर शहर के बागराज वार्ड में रहने वाले शिवराम पटेल, जिन्हें 2 साल की उम्र में पोलियो हो गया था और इसी वजह से वो दाएं पैर से विकलांग है। और कोई होता तो शायद टूट जाता, हो सकता है किसी दूसरे पर आश्रित होता, लेकिन उन्होंने इस बात को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और शायद यही वजह है कि आज शिवराम पटेल अपनी ट्राई साइकिल से शहर में सब्जी बेचते हैं और इसी से वे अपना गुजर बसर करते हैं। शिवराम पटेल से हमारे संवाददाता शहबाज खान ने खास बात की। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर बार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। राहत इंदौरी साहब का ये शेर शायद शिवराम पटेल जी के लिए ही फिट बैठता है, क्योंकि ये जन्म से ही विकलांग हैं और लगातार तकरीबन पिछले करीब 15 सालों से ये ट्राइसिकल जो होती है विकलांगों वाली, उस पर ये सब्जी बेच रहे हैं और काफ़ी दूर दूर तक ये सब्जी बेचने के लिए जाते हैं, कॉलोनियों में जाते हैं, और इसी वजह से वो अपना भरण पोषण कर रहे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिवराम पटेल जी, तो हम उनसे बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। जी शिवराम जी, कब से सब्जी बेच रहे हैं आप? सर 15 सालों से सब्जी बेच रहे हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं आप सब्जी बेचने? तिलीगांव और त्रिपतिपुरम और बालक कॉम्प्लेक्स और पोदार कॉलोनी, स्टेट बैंक कॉलोनी, यहाँ सब्जी बेचने जाती हैं। अच्छा, आप विकलांग हैं, कब से हैं विकलांग आप? सर विकलांग 2 साल की उम्र से विकलांग हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद, कोई पेंशन मिलती है आपको? हाँ, सरकार की तरफ से पेंशन भी मिलती है, हमाला जी भी मिलती है और मिसेस को भी मिलती है, वो भी विकलांग है पैर से। आपकी मिसेस भी विकलांग? हाँ, मिसेस भी विकलांग है। अच्छा, तो ये मन में आपके ख्याल कैसे आया कि सब्जी बेची जाए और ट्राइसिकल जो आप चलाते हैं साइकिल, उससे सब्जी बेची जाए? पहले हमें विचार आया मन में कि सब्जी मजदूरी तो कर नहीं सकते पैर खराब होने के कारण, तो हमारे मन में विचार आया कि 3 पहियों की ट्राई साइकिल से ही अपन कुछ सब्जी बेचने का धंधा करें, इससे ठीक रहेगा, बैठे के बैठे सब्जी बेचती रहती हैं। तो और मतलब आपके जो घर वाले हैं, कौन कौन है घर में आपके और कहाँ रहते हैं आप? हम बागराज बाड़ सोमनाथपुरम के पास रहते हैं और हमारे घर में मम्मी पापा और हम 3 भाई हैं और हमारी मिसेस भी हैं। और इसके साथ भी कुछ करते हैं क्या आप? और सर कुछ नहीं करती। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? हाँ सर, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ सर, और मैं ये चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से कोई भी नौकरी लग जाए या कोई सहायता हो सरकार की तरफ से, तो ठीक रहेगी अपने जीवन यापन के लिए, यही चाहते हैं, रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा, तो अभी आप जो सब्जी बेचते हैं ये सब करते हैं, इससे आपका घर बार चल जाता है? सर अभी जो सब्जी बेचते हैं इससे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है, और भी भाई हैं तो वे भी करते हैं मजदूरी। सर सरकार की तरफ से पेट्रोल वाली गाड़ी मिल जाए तो सब्जी बेचने में बहुत सहूलियत होगी। पेट्रोल वाली गाड़ी चाह रहे? हाँ, पेट्रोल वाली गाड़ी चाह रहे। 3 पहिए साइकिल में बहुत परेशान हो जाती हैं और इसमें ज्यादा मेहनत लगती है, दूर दूर तक सब्जी बेचने जाने पड़ता है। अच्छा, तो जैसे बरसात आती है या फिर और भी मौसम होते हैं, जैसे ठंड का भी चलना है, तो इसमें परेशानी नहीं आती है? सर परेशानी बहुत ज्यादा होती है, हमारे यहाँ की रोड भी बहुत बेकार है, इसलिए पेट्रोल वाली गाड़ी मिल जाए सरकार की तरफ से ठीक रहेगा। तो ये थे हमारे साथ शिवराम पटेल जी, जो लगातार पिछले करीब, जैसा कि उन्होंने बताया कि 15 सालों से सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं और अपना भरण पोषण वो इसी से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो विकलांग हैं और उनकी शादी भी हो चुकी है और उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी विकलांग ही है, वो भी पैरों से विकलांग है। जब मैं यहाँ आया था तो कुछ बात करने के लिए शिवराम पटेल जी से मुझे बात करनी थी और मैं यहाँ वहाँ देख रहा था तो पास में ही कुछ लोग हैं, उन्होंने मुझे कुर्सी दी यहाँ पर बैठने के लिए और जिस पे अभी मैं बैठा हुआ हूँ और मैं बात कर रहा हूँ। मैं कुछ और लोगों से भी बात करता हूँ जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, जहाँ पे ये सब्जी बेचने आते हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हैं हमारे साथ, तो उनसे ही हम सीधी बात करते हैं कि वो कब से सब्जी ले रहे हैं।
जी आंटी, क्या नाम है आपका? राजकुमारी मिश्रा। अच्छा, जैसा कि आप जानते होंगे कि ये विकलांग हैं और आप सब्जी ले, और भी साथ वाले आपकी सब्जी लेते हैं यहाँ पे कॉलोनी में? सब पूरी कॉलोनी लेती है, अच्छा देती है। चलिए ठीक है, जैसा कि इन्होंने बताया और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। जी आप, क्या नाम है आपका? शोभना सांडिल। शोभना जी, आप भी सब्जी खरीदते हैं? हाँ, मैं रेगुलर लेती हूँ। कब से खरीद रहे हैं? काफी साल हो गए, 10-12 साल। 10-12 सालों से सब्जी? हाँ। कैसा लगा इनसे सब्जी लेते हैं आप? सब्जी ये ताजी लाते हैं, अच्छी लाते हैं, फल भी लाते हैं सीजनली। अच्छा, जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये विकलांग हैं और उसके बाद भी ये सब्जी बेच रहे हैं, तो कभी मन में आया कि इनसे, हाँ इनसे सब्जी खरीदनी चाहिए, ऐसा कुछ विचार मन में आया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। ऐसा लगता ही नहीं कि ये विकलांग है, सब्जी का काम ये बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि ये काम कर रहे हैं तो क्या लगता है इसको? ये लगता है कि ये विकलांग होके भी ये अपनी मतलब जीविका कर रहे हैं, खर्च उठा रहे हैं अपना, और बहुत ही अच्छे से कर लेती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसा कि यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग रहवासी, उन्होंने हमें जानकारी दी और बताया कि वो रेगुलर सब्जी खरीद रहे हैं और काफ़ी टाइम से वो सब्जी लेते आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी सब्जी शिवराम पटेल जी इनको देते हैं, लेकिन कहीं एक बात जो सामने आती है वो ये है साफ तौर पे कि शिवराम पटेल जी लगातार 15 वर्षों से सब्जी बेच रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि उनकी जो मिसेज हैं वो भी विकलांग हैं और वो खुद विकलांग हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके साहस, इनके जज्बे को हमारा सलाम है। ये थी हमारी खास पेशकश। मैं हूँ शाबाज खान, कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं नवीन सोनी। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। यही वीडियो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ में जो बेल आइकन का ऑप्शन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी खबरों के तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। शुक्रिया।